नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुछ दिन पहले हमारे पास ये महिला आई हुई थी और कह रही थी कि सर हमको ना लैपटॉप को चलाना सिखा दीजिए, कैसे लैपटॉप को चालू करते हैं, कैसे लैपटॉप को बंद करते हैं। मैंने इनको सिखाया था और ये काम की थोड़ी बहुत जानकार हो गई हैं। आज मुझसे कह रही है कि सर मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए कैसे जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर से फोटो और वीडियो जो रिकॉर्ड करती हूँ वो अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करें। तो मैं सोचा ठीक है आपको सिखाता हूँ, और बहुत सारे मेरे भाई बंधु भी हैं जो नहीं जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से वो भी जान जाएंगे कैसे मोबाइल से फोटो और वीडियो को लैपटॉप में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, आज आपको सिखा दूंगा। मुझे तो लैपटॉप चलाना आपको तो आ गया होगा, लैपटॉप चालू करना भी आ गया होगा, लैपटॉप बंद करना भी आ गया होगा, थोड़ा उस काम भी कर लेती हैं। आप चाहती हैं लैपटॉप एडिट करना चाहती हैं तो पहले अगर अपना परिचय दे दीजिए, फिर हम बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं। सबसे पहले नमस्ते, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं इनके चैनल के माध्यम से, और मेरा नाम आंचल है और आंचल जी के पी चैनल से मेरा चैनल चलता है, यूट्यूब चैनल। चलिए ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करती है, कितने साल से यूट्यूब पे काम कर रही है यहाँ पे? लगभग साल भर हो गया। साल भर, ठीक है, चलिए वो आपका मैटर है। अब देखिए आपको बताता हूँ, ये जैसे मोबाइल फोन होता है ना, मोबाइल फोन के अंदर जो है जैसे 16 GB होता है, 32 GB, 64 GB होता है। मुझे लगता है कि आपका फोन 64 GB का है। इसमें मतलब कि जो फोटो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे इसमें मेमोरी कार्ड होता है, उसमें जाता रहता है। आपने क्या तो दो ऑप्शन से कर सकती है ट्रांसफर यहाँ कर सकती हैं। एक तो वायरलेस कर सकती हैं, बिना कोई तार लगाए ही आप जो है डेटा यहाँ का वहाँ ट्रांसफर कर सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। और एक दूसरा ऑप्शन है कि तार लगा करके आप यहाँ का फोटो और वीडियो यहाँ पे ट्रांसफर कर सकती हैं। ठीक है, तो बता दो, सीखिए स्टेप बाय स्टेप। आप मोबाइल फोन आपका लिया होगा तो साथ में मिलता है एक डाटा केबल मिलता है, डाटा केबल मिलता है, तो आपका फोन जो है टाइप सी वाला है, ये टाइप सी है। देखिए ये मेरे पास जो फोन पड़ा हुआ वो टाइप सी वाला ही है, यही है ये। तो इसके साथ ये निकाल देते हैं हमें, ये एक केबल हो गया, ये देखना केबल ही, इसको डेटा केबल बोलते हैं। एक चीज़ बता दो आपको मैं, बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग पास जो केबल मतलब चार्जर होता है ना, चार्जर का तार खराब हो गया होता है। तो क्या करता है मार्केट से वो तार खरीद लेकर आते हैं। तो तार ये दो प्रकार तार आता है, ये तार दो प्रकार आता है, एक आता है डेटा केबल आता है और एक आता है चार्जर केबल। अगर ये मार्केट से तार खरीद लाती है आप, ओरिजिनल तार नहीं है, अगर उसमें दो तार रहेगा अंदर, इसके अंदर दो तार रहेगा तो आपका फोन सिर्फ चार्ज होगा, कोई डेटा ट्रांसफर करना है यहाँ से तो नहीं जाएगा। तो ख्याल ये रहे कि आपका ओरिजिनल वाला डेटा केबल होना चाहिए। ठीक है, समझ गई है, ओरिजिनल वाला होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है ट्रांसफर करने के लिए, एक बार इसको यहाँ लगा देंगे, साइड लगा देंगे, सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना, जैसे करते। और लैपटॉप जो होता है ना, लैपटॉप में होता है USB पोर्ट, देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये दिख रहा है USB पोर्ट बोलते हैं ये, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट बोलते हैं। इसमें प्रिंटर भी कनेक्ट हो जाएगा, इसमें पेनड्राइव भी कनेक्ट हो जाएगा, मोबाइल बस बहुत सारी कनेक्ट हो जाएगा, USB पोर्ट है। तो हमारे पास ये टाइप सी वाला है, ये देखिए ये टाइप सी वाला है। और बहुत बार लोग पास होता है USB वाला होता है, मुझे लगता है कि जो मेरे पास पड़ा टाइप सी है और ये आपका जो पड़ा USB होगा। तो टाइप सी वाला देखिए ये छोटा सा पोर्ट दिया हुआ है, ये इसके लगा देंगे, ठीक है ना, ये सिंपल इसको ऐसे हम लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे सिंपल फोन को, अब ये हमारा कनेक्ट हो गया। तो देखिए मोबाइल जो है ये अब बता रहा है कि मोबाइल इससे चार्ज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, लाइट आ गया। तो चार्ज नहीं करना हमको, क्या करना डेटा ट्रांसफर करना है। जब ये कनेक्ट करेंगे तो देखिए इसको क्लिक करेंगे ऐसे करके, तो यहाँ देखिए ऐसे ऊपर से आएंगे, लिखिए देखिए दिखाइए, लिखा रहा है सिस्टम UI लिखा ना, चार्जिंग डिवाइस लिख के आ रहा है, अभी क्या चार्ज कर रहा फोन का, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए क्लिक करेंगे हम, क्लिक किया हमने तो आपका पासवर्ड, क्या पासवर्ड है, ठीक है पासवर्ड खुल गया। अब देखिए इसमें जब क्लिक किया पासवर्ड डाला, इसमें पूछा है चार्जिंग ओनली, फाइल ट्रांसफर, एंड्रॉइड ऑटो, फोटो ट्रांसफर, USB थेटरिंग, ठीक है सर जी। तो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, वही आपके काम का है, याद कर लीजिए ये, ठीक है। चार्जिंग वाली क्लिक है तो क्या बोला, ये चार्ज कर रहा है। हम फाइल ट्रांसफर एंड्रॉइड पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए फोन जो है, देखिए यहाँ खुल गया आपका, जैसे मैं क्लिक किया ना तो इसका मेमोरी जो है यहाँ पे खुल गया। आपको बता रहा है कि 106 GB का ये लगा हुआ, मतलब 128 GB का है ये, इसमें इतना जी भरा हुआ इतना खाली है, देखिए ध्यान से देखिए, देख रहा ना ये। अब ये आपका जो फोटो पड़ा हुआ कोई भी, इसको इसी क्या करेंगे, अब दोबारा इसको बंद चालू कर लेते हैं, बंद करेंगे तो इसमें विंडो 11 लोडेड है कंप्यूटर लैपटॉप में, और इसमें दिस PC दिखेगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो फोन वाला ऑप्शन ना, देखिए फोन का मॉडल ये आपका है रियलमी है ना, ये फोन है आपका रियलमी नाइजरो 65G, ये फोन है। इस पर दोबारा हम ऐसे क्लिक कर लेंगे, दो क्लिक करेंगे आपका फोन का पूरा डेटा यहाँ पे खुल गया, देखिए डेटा फोन का खुल गया। अब आपको लगता है कि ये वाला फोल्डर है रिकॉर्डिंग वाला है, अगर इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ आपको जैसे आंचल है ये है, ये वाला आपको करना कर सकती, जो भी करना आपको है, ये संदीप नाम का फोटो है, ये संदीप नाम फोल्डर है, इसके अंदर ये जैसे ये वाला फोटो है, इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि फोटो है, ये दिख रहा ना फोटो आपको, JPG लिखा हुआ है, JPG मतलब हो गया क्या फोटो, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है MP4,
ध्यान देखिए MP4 मतलब वीडियो, जो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड उसको MP4 बोलते हैं और जो होता है उसको बोलते हैं JPG कहते हैं, ठीक है ना। ये अब मान लीजिए एक हमको वीडियो कॉपी करना है तो इसको देखिए कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल दबाए रखिए, ये क्लिक दबाए रखिए, इसको हम क्लिक कर लेते हैं, ये सिलेक्ट हो गया और इसके बाद ये सिलेक्ट कर, दो हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे हम, उल्टा देखिए राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और करने बाद में कॉपी जाएंगे, कॉपी जाने बाद में इसको हम यहाँ से बंद करते हैं और देखिए यहाँ कहीं पे भी जैसे एक मेरा पड़ा हुआ है Anita 1-2 फोल्डर, ये दिख रहा ना। अब मैं चाहता हूँ मोबाइल से निकल करके अब वो फाइल यहाँ चलाए, तो क्लिक करने के लिए इसको हम खोलते फोल्डर को और यहाँ लाके इसको कंट्रोल दबाए रखे थे, कंट्रोल के साथ में इसको वी प्रेस कर देंगे, देखिए ध्यान से कंट्रोल को वी प्रेस कर देंगे और देखिए उड़ के वहां से जो है यहाँ आना स्टार्ट हो गया, देखिए ये आना स्टार्ट हो गया, ये सर फोटो आप ही का है क्या, ये देखिए ये, हाँ देखिए ये आप ही हैं, ठीक है ना, ये फोटो आपका। अब ये अब चाहे आप हैं तो इसको मैं निकाल दे, देखिए इसको मैं निकाल देता हूँ, मैं निकाल दिया तब भी जो है आपका फोटो अब मेरे लैपटॉप में पड़ा रहेगा, दिख रहा ना, ठीक है, ये आपका फोटो आ गया। और इसी प्रकार से आपका जो वीडियो देखिए मोबाइल में निकाल दिया, इनका मोबाइल निकाल स्कैन कर दिया और यहाँ देखिए दिया ये दिया हुआ, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे दिख रहा है वीडियो, अच्छा एक वीडियो ये भी है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है फोटो को और वीडियो को ट्रांसफर कर सकती हैं, ये समझ गए आप है। अब कभी कभी क्या होता है, एक चीज सिखा देता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि लैपटॉप में कुछ फोटो डाउनलोड किया, गूगल से आपने डाउनलोड किया, हो सके जो है आपने फोटो जो है लैपटॉप से कुछ आपको लेना है कॉपी करना है तो लैपटॉप से भी आपने मोबाइल फोन में ले सकती हैं, प्रक्रिया सिर्फ वो है। तो पहले क्या कि हमको लैपटॉप से यहाँ डालना था, मोबाइल से यहाँ डालना था, अगर लैपटॉप से आपको यहाँ डालना है तो क्या करना, सेम प्रक्रिया देखिए ये यहाँ लगाए रखी रहेंगी और उसके बाद दोबारा जो है टाइप सी में लगा सकती है। अगर आपका चार्जर USB वाला है तो USB में लगाएगा, ये वाले लगाएगा, टाइप सी वाला टाइप सी लगा रहा हूँ मैं, ये USB का थोड़ा अपडेट वर्जन है, जल्दी से ट्रांसफर हो जाता है, नए वाले फोन में आजकल ही आता है, इसको कर लिया। अब मुझे मान लीजिए कि फोन से कुछ मुझे डालना है, स्कैन डालना है, तो हम क्या करते हैं कनेक्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये जैसे मान लीजिए ये वाले फोटो है, मेरा फोटो है ये, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक किया और इसको हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने बाद में और यहाँ पर जाकर के हम दिस PC खोलते हैं, दिस PC खोलेंगे, देखो फोन आपका गायब हो गया, यहाँ से फोन नहीं आ रहा ना, तो फिर दोबारा प्रक्रिया करना पड़ेगा, इसको खोलेंगे हम, खोलने बाद में पासवर्ड आप क्या डाली थी डालिए दोबारा, ठीक है खोल गया और उसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे और फिर देखिए यहाँ पे यहाँ जाएंगे, ये वाले USB चार्जिंग लिख क्या रहा है ये, फिर फाइल ट्रांसफर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फिर आपको मोबाइल फोन यहाँ खुल के आ गया इंटर मेमोरी, ठीक है। अब लाके हमको यहाँ पेस्ट करना है, खोलना है संदीप वाले में लाकर इसे हम लाके कंट्रोल वी कर देंगे तो हमारा फोटो उठ के अब देखिए आपके यहाँ पे आ गया, आपके मोबाइल फोन में हमारा ये फोटो आ गया, ये देखिए मैं फोटो हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार सिंपल तरीके से देखिए एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रयास करेंगे उतना ही सीखेंगे। लैपटॉप को चालू करना बंद कर आपने प्रयास किया होगा तो आप सीख गई हैं। तो इस प्रकार से जब आप लैपटॉप मिल जाएगा ना, लैपटॉप रखी नहीं रखी है, नहीं अभी तो नहीं है, चलिए ठीक है, इस प्रकार से जो है लैपटॉप रख लेंगे तो आप इस प्रकार से यहाँ से मोबाइल फोन का डेटा इसमें ट्रांसफर कर सकती है और लैपटॉप का डेटा इसमें ट्रांसफर कर सकती है। सीख गई है, कुछ हुआ, कुछ ज्ञान मिला हुआ है तो कुछ बोल दीजिए कि जो लैपटॉप चलाना सीख रहे हैं ऐसे कैसे सीखी, मतलब पहला वाला जो लैपटॉप चलाना सीखी थी कैसे सीखी थी, अब कितना प्रैक्टिस करना पड़ा आपको उसके लिए? तो मैंने बहुत कोशिश की थी, मतलब अंदर से खुशी होता था कि मतलब सीखना है सीखना है सीखना है, मतलब अंदर होना चाहिए और करते करते मतलब एक दो बार मतलब जब आई थी तो यहाँ पे मतलब चला रही थी तो डर लग रहा था छूने में कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते अभी मुझे लगता है सीख जाएंगे ना। देखिए मेरा प्रयास रहता है, घर में महिलाएं जो है आज के डेट में आत्मनिर्भर बनना चाहती है, वो भी चाहती है लैपटॉप चलाना सीख जाए, वो भी चाहती है कंप्यूटर चलाना सीख जाए, तो कोर्स की रहती है आज से 10 साल पहले 20 साल पहले, लेकिन भूल गई रहती हैं, शादी हो गया कुछ परिवार मैटर फंस गई हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं अगर जज्बा जुटा रही हैं सीखना चाहती हैं, मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग और भी सीख जाएंगे। अगर आप सीखे हैं तो इनको भी धन्यवाद दीजिए क्योंकि ये सीखने मेरे पास आई और रिकॉर्ड पर वीडियो को बहुत सिंपल से बताने का प्रयास किया हुआ है। प्लीज इसको लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ऐसी टेक्निकल वीडियो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, उस वीडियो के माध्यम से उनका हेल्प हो जाए। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे परमिशन दिया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और आपके माध्यम से लोग सीखेंगे। चलिए आप सब लोग को नमस्ते, धन्यवाद आपका।